नमस्कार, मैं आरएस अतरोडिया आपका स्वागत करता हूं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वायु प्रदूषण के कारण दुनिया भर में हर साल करीब 70 लाख लोगों की मौत समय से पहले हो जाती है और औसत उम्र में 2.5 साल, जीवित रहने की अवधि में 5.3 साल की कमी आई है। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर बोस्टन की रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में वायु प्रदूषण एक साल में करीब 12 लाख लोगों की मौत का तीसरा बड़ा कारण है और विश्व आर्थिक मंच के अनुसार वायु प्रदूषण हमारे सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा वर्तमान पर्यावरणीय खतरा बन गया है। दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से 15 हमारे देश के हैं। देश की राजधानी दिल्ली ही नहीं, देश के तमाम शहर हैं जो इससे ग्रसित हैं। वायु प्रदूषण अक्सर दिखाई नहीं देता, ये अदृश्य हत्यारा है और ये केवल हमें ही नहीं बल्कि जानवर, फसल, शहर, वन, तालाब, नदी और समुद्र के साथ साथ जलीय जीव जंतुओं को भी प्रभावित करता है। साफ सामान्य हवा में कई प्रकार की गैसों का एक मिश्रण होता है जिसमें सबसे अधिक नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड व अन्य गैसें होती हैं। हम जो सांस लेते हैं उसमें हमें जीवित रहने के लिए मौजूद 21% प्राणवायु ऑक्सीजन का रोल ही मुख्य होता है। ऑक्सीजन की मात्रा और दबाव कम या ज्यादा होना हमारे लिए खतरनाक हो जाता है। वाहनों, औद्योगिक इकाइयों, तेल शोधक कारखानों, आणविक संयंत्रों तथा कोयले, खेतों और जंगलों के पेड़ पौधे जलने से निकलने वाले धुएं, धूलकण और गैसों के कारण हवा में मौजूद गैसों का अनुपात बिगड़ जाता है और हवा में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड बढ़ जाते हैं जिससे धरती का तापमान बढ़ता है। सामान्य परिस्थितियों में हवा का तापमान ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ घटता जाता है, परंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ हवा का तापमान घटने की बजाय बढ़ने लगता है। इसे टेम्परेचर इन्वर्जन या तापमान पलटना कहते हैं। प्रदूषण आमतौर पर जमीनी स्तर पर उत्पन्न होता है और ये टेम्परेचर इन्वर्जन जमीन पर प्रदूषण जैसे स्मॉग या धुंध को रोकने में सहयोग करता है। प्रदूषित वायु में पार्टिकुलेट मैटर या पीएम या प्रदूषण कण, धूल, पराग, कालिख, गंदगी, धुआं और तरल बूंदों का मिश्रण होते हैं। पार्टिकुलेट मैटर या पीएम के अलावा ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैसें होती हैं जो मुख्य रूप से हवा को प्रदूषित करती हैं। PM10 10 माइक्रोमीटर या उससे कम व्यास के होते हैं और PM2.5 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम व्यास के होते हैं। इनका आकार बहुत छोटा होता है, इन्हें सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। इन्हें मानव बाल के व्यास के आकार के साथ की गई तुलना के चित्र से समझा जा सकता है। ये PM10 और PM2.5 ही वायु प्रदूषण के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार होते हैं। इन्हीं के कारण खांसी, जुकाम से लेकर अस्थमा और दिल से जुड़ी गंभीर बीमारियां तक होने का खतरा होता है। साथ ही बुद्धिमत्ता के स्तर को घटाने में भी ये सहयोग करते हैं। वायु प्रदूषण से बचने के अनेक उपायों में से एक पुराना, प्राकृतिक और सरल उपाय है वृक्षारोपण करना, वनों का संरक्षण करना। क्योंकि जिस रफ्तार से पेड़ काटकर कंक्रीट के जंगल बनाए जा रहे हैं उस रफ्तार से पेड़ नहीं लगाए जा रहे हैं। पेड़ पौधे वातावरण में फैलने वाले प्रदूषण को न सिर्फ रोकने में सहायक होते हैं बल्कि इनके पत्ते प्रदूषण को सोखने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। ऐसे कई पौधे हैं जो घरों के गमलों में रहकर भी वायु प्रदूषण को सोखकर ऑक्सीजन में बदल देते हैं। हवा में ऑक्सीजन की 21% मात्रा को बनाए रखने का एकमात्र उपाय है सघन वृक्षारोपण। स्वस्थ पर्यावरण में ही हम अच्छा और ज्यादा विकास कर सकते हैं। पर्यावरण को साफ और हरा रखिए, स्वस्थ रहिए और अंत में हम सांस लेना तो नहीं छोड़ सकते पर हवा को सांस लेने लायक तो बना ही सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।